नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल SB कंप्यूटर सर में स्वागत है। तो आज के टॉपिक में सीखेंगे हम एक्सेल में डिजिटल वॉच बनाना। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है डिजिटल वॉच। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्सेल में जाना होगा। मैं यहाँ से एक्सेल में आ जाता हूँ और इसको क्या कर लेंगे, आप थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पहले एक फार्मूला लगाएंगे हम, इक्वल करेंगे और नाउ NOW इक्वल नाउ और शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद में इंटर दबा देंगे तो यहाँ पे डेट एंड टाइम आज का आ जाएगा। और डेट एंड टाइम ये जो है प्रेजेंट टाइम का होना चाहिए। और यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें डेट की आवश्यकता नहीं है, हमें टाइम की आवश्यकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कस्टम पर जाएँगे, यहाँ पे देखेंगे नीचे लिखा हुआ टाइम, तो इस वाला फॉर्मेट ले लेंगे। यहाँ से इस तरह से ये फॉर्मेट आ गया है। अब क्या करना है, इसको हम जो है थोड़ा सा कलर कर लेते हैं और इसी को बनाएंगे डिजिटल वॉच। और उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ से हम इसको जो है कोई अलग कलर में ले लेते हैं। येलो कलर ले लिया, उसके बाद यहाँ से हम बॉर्डर भी लगा देते हैं। इस तरह से मैंने बॉर्डर भी लगा दिया। अभी देख सकते हैं ये इस तरह से बना हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिजिटल वॉच बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से कीबोर्ड से अल्ट प्लस F10 दबाना होगा। अल्ट प्लस F10 दबाने के बाद में इस तरह से ये आपका आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का बुक आ जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी हमें इंसर्ट में जाना होगा। तो इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे मॉड्यूल लिखा हुआ है, इस मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, इस तरह से हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, मॉड्यूल का टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। और यहाँ पे हम कुछ कोडिंग करेंगे। कोडिंग के लिए हमें क्या करना होगा, यह मॉड्यूल पे हम पहले क्लिक करके रखते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। कोडिंग ने हमें सबसे पहले लिखना है सब, SUV सब, और उसके बाद स्पेस देना है, लिखना है क्लॉक CLOCK, और ब्रेकर लगाना है ओपन एंड क्लोज, उसके बाद इंटर करना है, फिर यहाँ पे लिखना है रेंज RANGE, और फिर लगाना ओपन ब्रेकर, उसके बाद में डबल इनवर्टेड कॉमा। और फिर यहाँ पे देखना हमें कि ये जो आपका वॉच यहाँ पे बनाना है ये किस सेल में है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये B है, B आपका कॉलम दिया हुआ है, और यहाँ से देखेंगे ये 4 आपका रो है। तो ये वाला हम यहाँ पे टाइप करेंगे B4, और उसके बाद में डबल इंटर कॉमा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट भी क्लोज कर देना है। उसके बाद में डॉट लगाना है, मैंने डॉट लगा दिया। उसके बाद में फिर क्या करना है, वैल्यू लिखना है, VALUE वैल्यू, उसके बाद में स्पेस दे करके इक्वल लिखना है नाउ NO, स्पेस दे देते हैं NOW नाउ, उसके बाद इंटर करना है, लिखना है एप्लीकेशन APPLI एप्लीकेशन CATION एप्लीकेशन, और डॉट लिख करना है। डॉट करने के बाद में यहाँ पे लिखना है ऑन टाइम TIME ऑन टाइम, स्पेस देना है नाउ, लिखना है NOW नाउ, उसके बाद में प्लस लिखना है, फिर स्पेस थोड़ा सा, और उसके बाद में लिखना है टाइम TIME टाइम, और इसी में ही वैल्यू लिखना है VALUE वैल्यू। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर ब्रेकेट लगाना है, और ब्रेकेट में डबल इंटेड कामा, उसके बाद में डबल ज़ीरो, और फिर स्कॉलर लगाना है, फिर डबल ज़ीरो, फिर स्कॉलर लगाना है, उसके बाद में 01 लिख देते हैं, और डबल इन्वर्टेड कामा ब्रेकेट क्लोज, और उसके बाद में कामा लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना है, यहाँ पे स्पेस एक दे देते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा, और उसके बाद में लिखना है क्लॉक CLOCK क्लॉक, और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देना है। उसके बाद में इसको हमें क्या करना है, यह मॉड्यूल पर क्लिक रहे, उसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे ये रन माइक्रोस जो लिखा हुआ है, इस पर आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आने के बाद में कुछ इस तरह से दिख रहा है रन,
इस पर हमें क्लिक करना है, रन करवाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने रन करवाया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका वॉच बन चुका है। इस तरह से ये वॉच बन गया है और इसको हम करते हैं क्लोज। अब ये इस तरह से चलता रहेगा और इसकी जो फॉर्मेट देख रहे हैं, जो फॉन्ट देख रहे हैं, इसको चाहे तो गूगल से यही वाला वॉच वाला फॉन्ट डाउनलोड करके उसके बाद में ये फॉन्ट यहाँ पे लगा लेंगे तो एकदम वॉच की तरह दिखने लगेगा। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।